बादशाह मुकर्रर फरमाया है, वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है, उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बात। कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। जालूत फौजी लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है, जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हां अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर। जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद आदमियों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफार पर फतेह याब कर। तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से न हटाता रहता
तो कुरए अर्ज तबाह हो जाता, लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बिला शुबा पैगंबरों में से हो।